नत्थी के 11 में क्या लिखा कि यहोवा की ये वाणी है, उसने मनुष्य के कहा कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं वो हानि की नहीं लाभ की है, कुशल की है, शांति की है, और अंत में मैं तुम्हारी आशा को क्या करूंगा, पूरी करूंगा। और जब आप विश्वास से चाह से क्या बोलो, विश्वास से चाह से खुदा के पास आते हो, धन्यवाद करते हो, अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करते हो, क्या करते हो, तो लिखा परमेश्वर ने कहा मेरी जो कल्पनाएं है तुम्हारे विषय, जो मेरी सोची है वो हानि की नहीं है, बोलो क्या है, हानि की नहीं है, वो लाभ की है, कुशल की है, शांति की है। अब आपको पता होना चाहिए, बोलो क्या है, आपको पता होना चाहिए। और यही जो आज विषय है, इसका जो तीसरा पार्ट है कि सत्य को जान, सत्य तुम्हें क्या करेगा, क्योंकि जिसने सत्य को जाना है, समझा है, बाइबल हमें यह बताती है, क्या बताती है, बाइबल हमें यह बताती है कि जो यहोवा की कल्पनाएं है हमारे विषय, जो यहोवा परमेश्वर हमारे विषय जो सोची सोचता है वो हानि की नहीं। अगर किसी ने इस सत्य को जाना है, भली बाती समझाए, तो वो फिर किसके साथ जिएगा, किसकी इच्छा को, किसकी मर्जी को पूरा करेगा, किसको अपने जीवन का पहला स्थान देगा। और ये बंदा आत्मिक ही कर सकता है, कौन कर सकता है, शारीरिक नहीं, एक आत्मिक बंदा कर सकता है। और जो इस रीति से चलता खुदा के साथ और उसकी इच्छा को पूरी करता है, बोलो क्या है, बाइबल हमें ये बताती है, क्या बताती है, कि जो चीजें आंखों ने देखी नहीं, कानों ने सुनी नहीं, मन के चित्त में चढ़ी नहीं, परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए वो सब वस्तुएं तैयार रखी। आमेन। क्या रखी है, वो सब चीजें उसने तैयार रखी है, बोलो क्या रखी है, तैयार रखी है। इसलिए अगर आप आत्मिक हो तो आपको सोचने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ धन्यवाद देने की जरूरत है। आमेन। बोलो क्या है, अगर आप आत्मिक हो तो फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं है, मेरा काम कब होगा, मेरी बीमारी कब जाएगी, हाँ मेरा कर्जा कब उतरेगा, मेरा ये काम कब होगा, ये काम कब सही होगा, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपने सत्य को भली भांति समझा है, जाना है, तो फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं, बोलो क्या है, फिर आपको सोचने की जरूरत है, क्योंकि आपको पता है, बोलो क्या है, आपको पता है कि मेरे, क्योंकि वचन जब आपके अंदर होगा क्या होगा, कि उसने जब आप नीति वचन कहोता 3:1 पढ़ते हो, क्यों परमेश्वर ने अपना वचन इस तरीके से लिख कर दिया, हे मेरे पुत्र, क्योंकि हम किसकी बेटे बेटियां हैं, और किस कितने प्रेम से परमेश्वर आपसे बात करता है, हे मेरे पुत्र, मेरी तालीम मेरी शिक्षा को ना बोलना, वरन अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना। अगर आप वचन आपके अंदर है तो फिर आप निराश नहीं होंगे, आप परेशान नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है जो मेरे विषय सोचे सोचता है, हाँ अब देखो वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हाँ बोलो क्या है, और वो आपके लिए सोच रहा है रोज रोज कि मैंने अपनी बेटी को, मैंने अपने बेटे को ये देना है, मैंने ये इसके लिए काम करना है। अगर आप आत्मिक हो तो सिर्फ आपको धन्यवाद देने की जरूरत है, बोलो क्या है। इसलिए उसने कहा अंत में मैं तुम्हारी आशा को क्या करूंगा, पूरी करूंगा। कितनों का विश्वास है कि वो करेगा, और वो कर सकता है, क्या कर सकता है, अगर आपको यह पता है कि वो सब कुछ कर सकता है, पर जब तक जो खुदा ने आपको करने के लिए कहा, जब तक आप उन चीजों को करोगे नहीं, तो खुदावंद तब तक वो वेट करेगा, क्या करेगा, वो वेट करेगा आपकी वेट, क्योंकि परमेश्वर कोई भी काम, क्योंकि परमेश्वर का जो काम करने का तरीका है इस दुनिया में अपने लोगों के जीवन में वो अलग है, बोलो क्या है, वो अलग है, अलग है, और उसको हमने समझना है।
क्योंकि परमेश्वर नियम का परमेश्वर है और उसका नियम क्या है? विश्वास। इसीलिए कहा बिना विश्वास से उसे कोई भी खुश नहीं कर सकता। और विश्वास का पॉइंट छोटा सा नहीं है, यह बहुत बड़ा है, पर हमें समझना पड़ेगा। बड़े क्या है? क्योंकि अगर हम विश्वास हैं तो हम टाइम से आएंगे, हर चीज करेंगे, प्रेयर करेंगे, हर चीज करेंगे। अगर आपको विश्वास है तो आप सब चीजें करोगे कि नहीं करोगे, बताओ मुझे? अगर आपको विश्वास ही नहीं है तो फिर कैसे आपको आप करोगे? मैंने कहा इसलिए विश्वास का जो मीनिंग है, जैसे यीशु मसीह ने विश्वास के बारे ये एक दृष्टांत दिया, उदाहरण दी। हाँ, क्या दी? जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि मुझे बहुत विश्वास है। क्या है बोलो? बहुत विश्वास है। पर यीशु मसीह ने कहा अगर तेरा विश्वास राई के दाने जितना है, बोलो क्या है, तो इस तूत को कह, इस पहाड़ को कह, यहां से उखड़ और समुन्द्र में जा पड़, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने जितना है, बोलो क्या है, तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तुम्हारे लिए हो जाएगा। फिर उसने कहा तुम जो कुछ भी प्रार्थना करके मांगते हो, क्या करते हो? प्रतीति करो कि हमें मिल गया है। आमेन। क्या करो? प्रतीति करो हमें मिल गया है। तो हमें, अगर हमने किसी चीज के लिए प्रार्थना की है, चाहत की है, बोलो क्या है? तो आपको पता है कि परमेश्वर जो मेरे विषय सोचे सोचता वो हानि की नहीं है, वो लाभ की है, कुशल की है, शांति की है। और उसने कहा अंत में मैं तुम्हारी आशा को क्या करूंगा? पूरी करूंगा। तो फिर आपको अपनी बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। बोलो कहें, अपनी बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसे धन्यवाद देने की जरूरत है और उसके साथ चलने की जरूरत है। बोलो कहें, उसे धन्यवाद देने की जरूरत और उसके साथ चलने की जरूरत है। आमेन, आमेन। तैयार हो इस रीति से परमेश्वर के साथ जीने के लिए? मैंने कहा तैयार हो? कितने लोग तैयार हैं? अगर आप तैयार हो तो परमेश्वर तैयार है।